हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे पास है चाइना का कीपैड मोबाइल। हेडलाइन बोल के कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें लगा हुआ है स्क्रीन लॉक, पिन लॉक। तो चलिए आज हम इस पिन लॉक को रिमूव करेंगे मिरेकल थंडर 2.82 क्रैक के मदद से। दोस्तों देख लीजिए, इसमें स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। अब कोई भी इसमें पासवर्ड डाल रहे हैं लेकिन यह पासवर्ड कबूल नहीं कर रहा है। तो इसे हम रिमूव करेंगे आज फ्री टूल की मदद से। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम मान के चलते हैं इसमें क्या सीपीयू है हमें मालूम नहीं है। तो हम पहले ही सोच लेंगे इसमें मीडियाटेक सीपीयू है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो मैंने अपने एंटीवायरस को कुछ देर के लिए डिसेबल कर लिया हूँ और यह है टूल, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब हम चलेंगे एमटीके वाले टैब पर। उससे पहले हम टूल को साइड में कर दे रहे हैं। अब रीड इन्फो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फोन के बैटरी को रिमूव करेंगे, फिर इसमें डालेंगे। डालने के बाद बिना बूट की दबाए हम यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इंसर्ट करते ही टूल में कुछ राइटिंग आ गया। ये क्या है हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, SPRD COM7 बता रहा है, मतलब ये SPD CPU वाला फ़ोन है। तो अब हम चलेंगे SPD वाले टैब पर और रीड इन्फो पर जिग लगाएंगे और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हम एक बार बैटरी को फोन से रिमूव करेंगे, फिर इसे इंसर्ट करेंगे। और जैसे कि हमें पता चल चुका है कि ये फोन SPD CPU वाला है, तो अब हमें बूट की दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करते हैं USB के एक सिरा हम मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे सिरे को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे बूट की दबाते हुए। ये जो देख रहे हैं जॉयस्टिक के चारों बटन, इनमें से कोई एक है बूट की। तो हम इन चारों को एक साथ प्रेस करके USB को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए चारों बटन को एक साथ हम प्रेस करके USB को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करना भूल गए थे। तो चलिए स्टार्ट पर क्लिक करके अब हम चारों बटन दबा के USB को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बूट ले चुका है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, बूट एरर बता दिया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम अपना बूट को बदलते हैं। 9 नंबर बूट को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कीपैड फ़ोन में SPD CPU जब होता है तो 9 नंबर बूट और 10 नंबर बूट ही रहता है। तो हम एक बार फिर से बैटरी को रिमूव करेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर बूट की दबाते हुए हम USB केबल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं ये। अब हम बूट की दबाएंगे और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बूट फिर से ले चुका है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। देखिए ये एकदम सही बूट है। देखिए दोस्तों, टूल ने फोन के इन्फो को रीड कर लिया है और यहाँ पर सारे पासवर्ड को भी शो कर दिया है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम फोन से बैटरी को एक बार फिर रिमूव करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे और मोबाइल को करेंगे पावर ऑन।
तो हम इसमें पहला पासवर्ड डालेंगे स्क्रीन लॉक का, जो था 2111। यही डाल कर देखते हैं पहले क्या रिजल्ट होता है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, तो हम दूसरा पासवर्ड को ट्राई करेंगे, जो था 1234। देखिए ये भी इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। अब हम डालेंगे तीसरा पासवर्ड, जो था अनलॉक पासवर्ड 3355। इसमें देखिए क्या रिजल्ट होता है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, मतलब इस फ़ोन का यही था पासवर्ड 3355। दोस्तों अब हम सेटिंग के सिक्योरिटी में जाएंगे और इसके पासवर्ड जो ऑन है इसको हम ऑफ कर देंगे। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को भी दबा दें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।